दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। एक नगर का राजा बहुत दुखी था, बहुत परेशान था, क्योंकि उसका राज्य बहुत छोटा सा था और वह राज्य बहुत आकर्षक और वहां के लोग भी बहुत खुशहाल थे। वह अपने राजा के प्रति पूरी तरह से वफादार थे, जिस कारण आसपास के सभी राज्य उस राज्य पर अपना हक जताना चाहते थे, उस पर कब्जा करना चाहते थे। और इसी कारणवश उस राज्य का राजा बहुत दुखी रहता था, परेशान रहता था, क्योंकि उसके चारों तरफ केवल शत्रु ही शत्रु थे। अपने इन्हीं दुखों से परेशान होकर एक दिन वह अपने गुरु के पास जा पहुंचा और राजा ने अपने इस समस्या का समाधान मांगा। इस पर उन गुरु ने राजा को ध्यान करने के बारे में बताया, राजा को ध्यान का महत्व समझाया। राजा ने यह तय कर लिया कि वह कुछ दिन वहीं आश्रम में ठहरेगा और ध्यान अच्छी तरह से सीख कर ही वापस महल जाएगा। राजा ने वैसा ही किया। वह अगले कुछ दिनों तक वहीं आश्रम में ठहरा और अच्छी तरह से ध्यान सीखने के बाद वह वापस महल लौटा। ध्यान के पश्चात राजा के मन में एक अजीब सा सुकून था और वह हर रोज राजमहल के सारे कार्य निपटाकर ध्यान किया करता। और इस प्रकार धीरे धीरे उसकी समझ का दायरा बढ़ता चला गया। अब वह चिंतित नहीं रहता था और ना ही अब वह परेशान रहता, बल्कि अब तो वह पहले से खुश रहने लगा था, मुस्कुराने लगा था। इसी प्रकार समय बीतता चला गया और कुछ महीनों बाद वह इतना ज्ञानी हो चुका था कि उसे अज्ञान साफ साफ दिखाई देने लगा था। और जब भी राजा से किसी कार्य को लेकर कोई राय मांगी जाती तो वह साफ और सत्य कहता, जिस कारण राज दरबार और महल के सभी लोगों को अब राजा पागल समझ में आने लगा था। ऐसे ही कुछ और दिन बीते और तभी एक दिन राजा की माता का निधन हो गया। राज दरबार और महल के सभी लोग रो रहे थे, चारों तरफ मातम छाया हुआ था, लेकिन वहीं पर वह राजा पूरी तरह से संतुष्ट था और उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। अपनी माता को इस प्रकार देख अचानक राजा के मुख से निकलता है, हे ईश्वर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी कृपा से मेरी माता मेरे साथ इतने दिनों तक रही, मैंने अपनी माता के साथ बहुत अच्छा समय बिताया है और अब जब वह मेरे पास नहीं है तो आप उन्हें अपने पास स्थान देना। राजा की ये बातें सुनकर सभी लोग हैरान थे। राजा को अपनी माता के जाने का तनिक भी दुख नहीं था, बल्कि वह तो मुस्कुरा रहे थे, उनके चेहरे पर एक मुस्कान थी। पर फिर भी किसी ने राजा से कुछ नहीं कहा। देखते ही देखते करीब एक महीना और बीता और तभी एक दिन उसकी पत्नी जो गर्भवती थी उसका बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ। जब यह खबर राजा तक पहुंची तब वह राजा मुस्कुराते हुए कहता है, हे ईश्वर, तेरा धन्यवाद, मेरी पत्नी सही सलामत है। उसे बचाने के लिए, उसे सही सलामत रखने के लिए मैं आपका आभारी हूं। यह देखकर राजा के मंत्री से रहा नहीं गया और वह राजा से पूछ बैठा, हे राजन, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? क्या आपको आपके होने वाले बच्चे के जाने का दुख नहीं है? इस पर वह राजा मुस्कुराते हुए जवाब देता है और कहता है, मंत्री जी, जो कभी आया ही नहीं उसके जाने का कैसा दुख, बल्कि जब वह गर्भ में था तो उसके होने का एहसास बहुत अच्छा था। वह पल, वह समय बहुत अच्छा था, बहुत खूबसूरत था। राजा की यह बात मंत्री को समझ नहीं आई, लेकिन फिर भी उसने राजा से आगे कुछ नहीं कहा। देखते ही देखते ऐसे ही कुछ और दिन बीते और तभी अचानक एक दिन उस राज्य पर पड़ोसी राज्य ने आक्रमण कर दिया। ये देख उस राज्य की प्रजा और वह पूरा राज दरबार चिंतित था, सभी परेशान थे, सभी उस समस्या का हल निकालना चाहते थे। लेकिन राजा अब भी मुस्कुरा रहा था, उसके चेहरे पर अब भी मुस्कान थी और राजा
अपने सभी राजदरबारी और अपनी प्रजा से कहता है, घबराइए मत, आज वो समय आ गया है जिसके लिए हम बने हैं। हम जानते हैं कि हमें हमारे राज्य की रक्षा करनी होगी, तो इसमें परेशान होने वाली बात क्या है? यह तो खुश होने वाली बात है कि हम जैसे वीरों को यह मौका मिला है। हम अपने राज्य की रक्षा अवश्य करेंगे, हम जी जान से लड़ेंगे और हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन हो सकता है कि हमें इस युद्ध में पराजय का सामना करना पड़े। इसलिए आप सबसे बस मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि आप सबके साथ बिताया गया हर एक पल मेरे लिए बहुत कीमती है। आप मेरी ताकत हैं और आप ही से मैं हूं, और मैं आपका राजा हूं, इसलिए मैं अपना 100% लगा दूंगा और इस युद्ध को जीतने की हर मुमकिन कोशिश करूंगा। इतना कहकर वह राजा और वहां पर उपस्थित सभी योद्धा युद्ध के लिए तैयार हुए। सभी लोग युद्ध भूमि पर पहुंचे और करीब 2 दिनों तक खूब घमासान युद्ध हुआ। राजा बहुत बहादुरी से लड़ा, उसके सैनिक उसके योद्धा बहादुरी से लड़े, परंतु उस छोटे से राज्य की सेना उस बड़े राज्य की सेना का सामना न कर पाई और 2 दिनों के अथक प्रयासों के बाद अपने कई वीर सैनिकों को खोने के बाद वह युद्ध हार ही गए। उस राजा को बंदी बना लिया गया और दूसरे राजा के सामने पेश किया गया, लेकिन वह राजा अब भी संतुष्ट था, उसके चेहरे पर अब भी मुस्कान थी और इस प्रकार दरबार में उसे देखकर हर कोई आश्चर्यचकित था। हर कोई यह जानना चाहता था कि आखिर राजा की मुस्कुराहट का कारण क्या है, और उस राजा की यह मुस्कान देखकर वह दूसरा राजा भी कुछ समझ नहीं पा रहा था। तभी उसने पूछा, तुम हार चुके हो और फिर भी मुस्कुरा रहे हो, क्या तुम्हें डर नहीं लगता? आज तुम मेरे सामने इसलिए पेश किए गए हो कि मैं तुम्हें मौत की सजा दूं, क्या तुम अपने जीवन की भीख नहीं मांगोगे? इस पर वह बंदी राजा उस दूसरे राजा से कहता है, हे राजन, मैं अपने जीवन की भीख क्यों मांगू, मैं पूरी तरह से संतुष्ट हूं और मैं तो बहुत खुश हूं। इस पर वह दूसरा राजा प्रश्न करते हुए कहता है, परंतु क्यों, जिस राज्य के तुम राजा थे अब वह राज्य तुम्हारा नहीं रहा, बल्कि अब तो वो मेरा हो चुका है, और उसके बाद भी तुम्हें कोई गम नहीं, तुम्हें कोई दुख नहीं, आखिर ऐसा क्यों? इस पर वह बंदी राजा उस राजा के इस प्रश्न का जवाब देते हुए कहता है, हे राजन, मैं आज बहुत खुश हूं क्योंकि आप जैसे परमवीर योद्धा और एक महान राजा की देखरेख में अब से मेरी पूरी प्रजा सुरक्षित रहेगी और अपने जीवन में आगे विकास करेगी। भला इससे बेहतर और क्या हो सकता है? जो जिम्मेदारियां आज तक मेरे ऊपर थी, जो मुझे पूरी करनी थी, अब वह आपके ऊपर है, आपके कंधों पर है। अब मैं उन जिम्मेदारियों से मुक्त हो चुका हूं, क्या यह खुश होने वाली बात नहीं? और आज तो मैं ये भी समझ चुका हूं कि ना तो इस दुनिया में कोई राजा होता है और ना ही कोई भिखारी, यहां तो बस उसके हालात होते हैं, उसके हालात ही उसे राजा और भिखारी बनाते हैं, और ये समय बहुत तेजी से बदल जाता है। ये ऐसा है मानो जैसे मैं अपने हाथों से रेत को पकड़ने की कोशिश कर रहा हूं, उसे इकट्ठा करने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन वह बार बार मेरे हाथों से फिसल ही जाती है, और मैं बार बार उसे इकट्ठा करने की कोशिश करता हूं, सोचता हूं कि वो मेरे हाथों में इकट्ठा रहे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता। और सोचिए, यदि मैं जिंदगी भर बस यही करता रहूं तो आखिर मुझे जीवन में क्या मिल पाएगा? ये समय जो आज आपके हाथों में है, ये कल किसी और के हाथों में होगा, और इसी तरह से वह कल किसी और के हाथों में चला जाएगा। इस बात को मैं अच्छी तरह से जान पा रहा हूं, इसे देख पा रहा हूं, और इसी वजह से मैं मुस्कुरा रहा हूं। उस बंदी राजा की यह बात सुनकर वह दूसरा राजा कुछ देर के लिए सोच में पड़ गया, और फिर वह उस बंदी राजा से कहता है, हे राजन, मुझे तुमसे मिलकर बहुत प्रसन्नता हुई, तुम्हारे जैसा राजा मैंने आज तक नहीं देखा, भले ही आज तुम्हें मेरे सामने बंदी बनाकर लाया गया हो, किंतु आज भी तुम एक राजा ही हो, इसलिए मांगो, तुम क्या मांगना चाहते हो? इस पर वह बंदी राजा मुस्कुराते हुए उस दूसरे राजा से कहता है,
हे राजन, यदि आप मुझे कुछ देना ही चाहते हैं तो कृपया करके मेरे उन बंदी योद्धाओं और मेरे परिवार को मुक्त कर दीजिए। बस इसके अलावा मैं और कुछ नहीं चाहता। इस पर वह दूसरा राजा प्रसन्नता से उस बंदी राजा से कहता है, ठीक है, यदि तुम चाहते हो कि तुम्हारे परिवार वाले और तुम्हारे उन बंदी योद्धाओं को मैं मुक्त कर दूं, तो मैं ऐसा ही करूंगा। किंतु मैं ये चाहता हूं कि आप और आपके योद्धा मिलकर हमारे साथ युद्ध लड़ें और हम पूरी दुनिया पर जीत हासिल करें। इसके जवाब में वह बंदी राजा मुस्कुराते हुए उस दूसरे राजा से कहता है, हे राजन, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप बहुत दयालु हैं। मेरे योद्धा, मेरे सैनिक आपकी सेवा में अवश्य रहेंगे। जो आपके साथ रहना चाहते हैं वह रह सकते हैं। और रही बात मेरी, तो मैंने अब वास्तविकता को देख लिया है, उसे अच्छी तरह से जान लिया है, और मैं एक ही गलती बार बार नहीं दोहराना चाहता। मैं अब यहां से जाना चाहता हूं और मैं अपना जीवन जीना चाहता हूं। इस पर वह दूसरा राजा उस बंदी राजा से कहता है, परंतु क्यों, तुम मेरे अधीन होकर इस राज्य को चला सकते हो और अपनी प्रजा की देखरेख कर सकते हो। इस पर वह बंदी राजा उस दूसरे राजा से कहता है, हे राजन, जिसे आप मेरा राज्य कह रहे हैं, आप भूल रहे हैं कि कुछ देर पहले आपने वो राज्य मुझसे जीत लिया है। और अब ना तो ये मेरा राज्य है और ना ही ये मेरी प्रजा। अब से सब कुछ आपका है, इसलिए अब आप ही को इनकी देखरेख करनी होगी, आप ही को इनका ख्याल रखना होगा। बंदी राजा के मुख से यह सुनकर वह दूसरा राजा खुशी खुशी उस बंदी राजा को रिहा कर देता है और उसके बाद वह राजा अपनी पत्नी को लेकर वहां से चला जाता है। वह उस राज्य की सीमा पर जाकर एक छोटी सी कुटिया बनाता है और वहीं पर वह और उसकी पत्नी रहकर ध्यान साधना करते, और साथ ही राजा कुछ युवाओं को युद्ध की कला का अभ्यास भी कराता, जिससे उनका गुजारा चल रहा था। देखते देखते समय बीतता गया और कुछ समय पश्चात उस राजा को एक पुत्र की प्राप्ति हुई। इस पर वह राजा कहता है, हे ईश्वर, तेरा धन्यवाद। तू फिर से मेरे जीवन में इतने छोटे छोटे कदमों से वापस आया है, इसलिए मैं आपका आभारी हूं। ऐसे ही कुछ और दिन बीते और वह राजा एक मंदिर के बाहर जाकर बैठा था। वह राजा कभी किसी मंदिर के भीतर नहीं जाता था, वह हमेशा मंदिर की सीढ़ियों पर ही बैठा रहता था। तभी उस राजा ने देखा कि कुछ लोग मंदिर में जाकर प्रार्थना कर रहे हैं, कुछ धन मांग रहे हैं, कुछ औलाद मांग रहे हैं, कुछ मान पद प्रतिष्ठा की मांग कर रहे हैं और कुछ तो ये याद दिला रहे हैं कि हे ईश्वर, मैंने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया, तुम मेरे लिए कम से कम स्वर्ग में थोड़ी सी जगह बनाकर रखना। यह सुनकर वह राजा जोर से हंस पड़ा। उसकी हंसी सुनकर वहां पर उपस्थित सभी लोग बाहर आए और उन्होंने उस राजा से कहा, अरे भाई, क्या हुआ तुम्हें? तुम इतनी जोर से क्यों हंस रहे हो? क्या यहां पर कोई मजाक हो रहा है? इस पर वह राजा कहता है, सच कहा आपने, यहां मजाक ही तो चल रहा है, क्योंकि आप सब यहां पर परमात्मा की पूजा करने नहीं आए, बल्कि परमात्मा से धन दौलत, नौकरी, सुख और स्वर्ग में जगह प्राप्त करने के लिए आए हैं। भला इससे बड़ा मजाक और क्या हो सकता है? उस ईश्वर ने आपको इतना सब कुछ दिया है कि आप उसके लिए धन्यवाद नहीं कर सकते, बल्कि जो आपके पास नहीं है आप उसके लिए रोते रहते हैं। और यदि ईश्वर ने तुम्हें ये सब भी देना बंद कर दिया तो हो सकता है कि आप ईश्वर से नाराज हो जाएं, आप उसे मनाना भी बंद कर दें, आप उसे बात करना तक बंद कर दें। तभी उनमें से एक व्यक्ति राजा से कहता है, तुम कहना क्या चाहते हो? तुम्हारा अर्थ क्या है? कहीं तुम ये तो नहीं कह रहे कि मंदिर में ईश्वर नहीं है? इस पर वह राजा हंसते हुए कहता है, मैं इस पर कुछ नहीं कहना चाहता, बल्कि मैं आप लोगों से एक प्रश्न करना चाहता हूं। आप ही लोग मुझे बताइए कि आखिर वो कौन सी जगह है जहां ईश्वर नहीं है। राजा का यह प्रश्न सुनकर वहां पर उपस्थित हर एक व्यक्ति चुप हो गया, क्योंकि किसी के पास राजा के इस प्रश्न का कोई जवाब नहीं था। तभी आगे वह राजा उन सभी से कहता है, आप सभी यहां प्रार्थना करने नहीं आते और इसी कारण आप लोगों की प्रार्थना कभी स्वीकार नहीं होती। तभी उनमें से एक व्यक्ति राजा से कहता है, तो आप ही बता दीजिए
आखिर प्रार्थना करने का सही तरीका क्या है, आखिर प्रार्थना कैसे की जाती है। इस पर वो राजा मुस्कुराते हुए उन सभी से कहता है, प्रार्थना करने के लिए किसी खास स्थान की कोई जरूरत नहीं है, आप जहां हैं वहां पर भी प्रार्थना कर सकते हैं, वह आपको हर जगह से सुन रहा है। और रही बात मेरी, तो जब मैं प्रार्थना करता हूं तो मैं ईश्वर से इतना ही कहता हूं, तेरी मर्जी पूरी हो, तू जो चाहे वह पूरा हो, तू जैसा रखे वैसा हो, मेरा तो कुछ भी नहीं, सब कुछ तेरा ही है, फिर आखिर मैं क्यों चिंता करूं, मैं क्यों फिक्र करूं, जो तूने दिया है वो बहुत दिया है, और अगर तू कुछ देगा तो वह तेरी मेहरबानी है, मैं भी तेरा, ये सब भी तेरा, तू जो करे वह भला है, तू जो करे वह सब ठीक है, तू कभी गलत नहीं करता, तू सदा सही है, अगर मुझ में कोई गलती दिख भी रही है तो वह भी तेरी ही कमी है, हे मालिक तेरा धन्यवाद। राजा की यह प्रार्थना सुनकर सभी लोग राजा के सामने नतमस्तक हो गए और वह राजा से पूछने लगे, आप कौन हो, कहां से आए हो। राजा इस पर जवाब देते हुए कहता है, मैं तो कोई नहीं, सब यही है। राजा इतना कहकर वहां से चला गया और वहां पर उपस्थित एक गुरुवर को राजा की सारी बातें समझ में आ चुकी थी। उन्होंने राजा की इन सभी बातों का अर्थ समझाते हुए वहां पर उपस्थित सभी से कहा, वह हमें बस इतना समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि यहां इस दुनिया में आपका कुछ नहीं, आप भी अपने नहीं हैं, तो ऐसे में आप लोगों को क्यों सताते हो, आखिर क्रोध क्यों करते हो, किसी को धोखा क्यों देते हो, क्यों किसी को रुलाते हो। याद रखना, इस दुनिया को तुम अपनी बाहों में जितना भी समेटने की कोशिश करोगे, हर बार सब कुछ रेत की तरह आपके हाथों से निकल जाएगा। दोस्तों, आपको ये कहानी बताने का मेरा मतलब ये नहीं कि आप अपनी दुनियादारी, अपने काम धंधे, अपना व्यापार, अपनी नौकरी, अपने परिवार को छोड़कर सब कुछ बंद करके, अपनी आंखें बंद करके बैठ जाएं। बल्कि मेरा ये कहानी सुनाने का मतलब ये है कि आप अपने काम को बेहतर तरीके से कर सकें, जिस प्रकार उस राजा ने सब कुछ जानते हुए भी अपने कर्तव्य को कभी नहीं छोड़ा, बल्कि वह बहादुरी से युद्ध लड़ा, जबकि वो जानता था कि ये युद्ध उसके जीवन का आखिरी युद्ध भी हो सकता है, लेकिन वह अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटा। और जब वह युद्ध हार गया तब भी उसने कभी शोक नहीं मनाया, उस बात का उसे तनिक भी दुख नहीं था, बल्कि वह तो खुश था और जानता था कि उसके साथ जो कुछ हुआ है वह अच्छा हुआ है और आगे चलकर भी अच्छा ही होगा। इसलिए यदि आप भी अपने जीवन में असफल हो रहे हैं और आपको बार बार असफलता का मुख देखना पड़ रहा है, तो ये जान लीजिए कि आपके लिए कुछ और बेहतर सोचा गया है, जितना आप चाहते हैं उससे कुछ बड़ा सोचा गया है, बस आपको उसके काबिल बनना है, और जैसे ही आप उसके काबिल बन जाएंगे वो चीज आपको जरूर मिल जाएगी। और इसलिए जो भी आपके पास है इस समय, जो भी आपके साथ है, उसका धन्यवाद करिए, उसके प्रति कृतज्ञ रहिए, क्योंकि अब भी आप जिंदा हो और आपको एक कोशिश करने का और मौका मिला है, और जब तक आप मौजूद हो तब तक कोशिश चलती रहेगी और एक न एक दिन आपको सफलता भी अवश्य मिलेगी। किंतु आप एक बात और ध्यान रखिएगा कि यह कोशिश करने का मौका हर किसी को नहीं मिलता। आप कितने भाग्यशाली हैं कि आपको यह मौका एक बार फिर मिला है, तो इस मौके को हाथ से न जाने दें, बल्कि इसका इस्तेमाल करें, उस ईश्वर का धन्यवाद करें और अपनी राह में आगे बढ़ें, क्योंकि वो यही चाहता है कि आप आगे बढ़ते रहें और अपनी मंजिल तक पहुंचे। वो आपको और बेहतर बनाना चाहते हैं, इसीलिए तो उन्होंने आपको असफलता का मुख दिखाया है। वो जानते हैं कि यदि आप आज ही सफल हो गए तो आप आगे चलकर उस बड़ी सफलता को प्राप्त नहीं कर पाएंगे, और यही कारण है कि आपको असफलता का मुख देखना पड़ रहा है। इसलिए इस असफलता से डरिए मत, बल्कि सफल होने के लिए आगे बढ़िए और अपनी मंजिल को पा लीजिए। वैसे दोस्तों, उम्मीद है कि आपने आज की इस वीडियो से जरूर कुछ ना कुछ सीखा होगा, तो आप हमें कमेंट बता सकते हैं, और साथ ही साथ अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो
तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा, और साथ ही हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और घंटी बटन को जरूर दबा दीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, धन्यवाद।